चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एटोमी का जो डाटा माइग्रेशन का जो प्रोसेस है 22 जून से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, सब 22 जून से 11 बजे सुबह। और एटोमी इंडिया की जो वेबसाइट है atomy.com/in, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी इंडिया के मेंबर अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं कंज्यूमर मेंबर, उनकी आईडी का जो KYC है वो स्टार्ट हो चुका है 22 जून से, क्योंकि कंज्यूमर मेंबर को आईडी को जो है एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट की गई है। ओके, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो लीडर्स हैं हमारे जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले लगी थी, ये वीडियो उनके लिए है। ओके, और जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 के बाद लगी है उनके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, फिर गिव कंसेंट करना है, चेक करना है, फिर एडिट बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप जो अपना एड्रेस मोबाइल अपडेट कर सकते हैं, पिन कोड अपडेट कर सकते हैं, फिर पैन वेरीफिकेशन आपको करना है, फिर आधार कार्ड वेरीफिकेशन करना है, एड्रेस प्रूफ का वेरीफिकेशन आपको करना है, और स्पाउस की डिटेल आप डाल सकते हैं यहाँ पे, अपनी वाइफ की डिटेल या हस्बैंड की डिटेल, अगर उनको आप अपनी आईडी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो। ओके, तो इस तरीके के ये 5 स्टेप हैं, तो इनको बारी बारी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लॉगिन, फिर गिव कंसेंट, फिर एडिट बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, फिर पैन वेरिफिकेशन आपको करना है, फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है आपको, फिर स्पाउस इन्फॉर्मेशन करना है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने की जो वेबसाइट है atomy.com/in, ये ऊपर आप देख रहे हैं ये इंडिया की वेबसाइट है। फर्स्ट स्टेप, आप अपने यूजर आईडी से उसके अंदर आपको लॉगिन करना है। जो भी आपका यूजर आईडी नंबर था उसको अभी हम बोलेंगे ADN नंबर, एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, क्योंकि आपका यूजर आईडी का जो नंबर था KYC करने के पश्चात आपकी जो कंज्यूमर मेंबर आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा एटोमी बिजनेस अकाउंट में, जिसको हम बोलेंगे एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। थर्ड स्टेप में इस तरीके का पॉपअप आएगा, उस पे आपको ओके करना है। ओके करने के पश्चात आपको वहां पे दो वीडियोस दिखाई देंगे, सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने हैं जो भी कंपनी के ऑफिशियल वीडियो हैं, ये वीडियो देखने हैं, कंपनसेशन प्लान और एटोमी के बारे में यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सहमत हैं आप तो इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है, एथिक्स है, रूल एंड रेगुलेशन है, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं आप एटोमी ओरिएंटेशन में, तो उन सबको आपको पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक बॉक्स दिया गया होगा, उस बॉक्स में क्लिक करना है आपको। जो भी एटोमी के टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपनसेशन प्लान है, वीडियोज हैं, सब आपको यहाँ पे देखना है, पढ़ना है और एग्री करना है, ठीक है। जब आप एग्री करेंगे तब आपका जो लास्ट का स्टेप रहेगा उसके अंदर आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एटोमी की जो टर्म्स एंड कंडीशन वो एग्री कर ली है, जो भी एटोमी ने रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं, एथिक्स बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन सब को आप एग्री करते हो और एटोमी के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप आप कर रहे हो। यहाँ पे आप को एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, अभी इसके बाद आपकी जो आईडी है वो एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के माध्यम से जानी जाएगी, क्योंकि आपने एटोमी के साथ अभी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की है वो 100% आपको एग्री करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटोमी के रूल रेगुलेशन, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, टर्म्स एंड कंडीशन सभी आप पढ़िए और आप अपनी पूरी टीम को बताइए इसके बारे में कि एटोमी के क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ओके, उसके पश्चात ही आप यहाँ पे आगे बढ़िए। ओके, और डेफिनेटली इंडिया की वेबसाइट पे सब कुछ दिया गया है, वहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं एटोमी के बारे में। 8th स्टेप, इस स्टेप के अंदर आप अपनी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अरेस कर रखी है जो कि आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ पे, मेरी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आप भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूट्यूबर हैं तो किसी को दिखाइए मत। ओके, डेफिनेटली। ओके, तो मैंने सारी हाइड कर रखी है, कुछ ब्लर कर रखी है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल देखना है कि आपको का जो एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डिटेल, सारी चीज़ सही है कि नहीं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा 9th, इसमें आपको अपना आधार जो एड्रेस अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपका आधार कार्ड के अंदर है, और फिर उसके बाद आप अपना पिन वेरीफिकेशन करते हैं यहाँ पे, और पिन वेरीफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पिन वेरीफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सारी डिटेल डालिए, फिर आपको पिन वेरीफाई भी करोगे तभी आपका यहाँ पे एड्रेस चेंज होगा, और उसके बाद आधार कार्ड की KYC, ठीक है। तो ये दो स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलूंगा अपने एड्रेस प्रूफ डालिए, एड्रेस की डिटेल्स डालिए, फिर उसके बाद आप यहां पे अपना जो पिन कोड नंबर है वो डालिए, ठीक है।
पिन कोड नंबर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी। फिर आपको पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करना है दोबारा से, ओके। नेक्स्ट फिर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर आधार कार्ड का जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा वो कंफर्म होगा। फिर लास्ट में अगर आप स्पाउस डिटेल डाल सकते हैं तो वो आपको डालना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसके अंदर सिर्फ मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इस स्टेप के माध्यम से हमने जो यहाँ पे अपना एड्रेस वेरीफाई किया है, एड्रेस वेरीफाई के बाद हमने जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डालेंगे हम, और फिर ईमेल आईडी भी यहां पे आप अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये जो 3 से 4 स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्पाउस डिटेल, 4 से 5 जो स्टेप्स हैं आपको केयरफुली करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ओके। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप पैन कार्ड ही वेरीफाई कर दो, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप करना है। उससे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर चेक करना है, ठीक है, आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, आपको मोबाइल नंबर डाला, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपने पुट अप किया, फिर आप अपना जो पिन कोड डाल रखा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चेक करना है। डेफिनेटली आपके एरिया में जो पिन कोड है वो एटोमी के रिकॉर्ड में है, वहाँ तक लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको मिलेगी जो भी है, ठीक है। इस तरीके से पिन कोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पिन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये पिन कोड पे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे डालोगे, सेलेक्ट करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट करने के बाद वो पिन कोड एटोमी के जो उसमें रिकॉर्ड में है कि नहीं आपके एरिया का, वो यहाँ पे चेक करना है, ताकि जैसे आप प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करो आपके घर पे जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जितने भी पिन कोड हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे, और आपके जो पिन कोड है वो एटोमी के अंदर लिस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड नंबर डालिए, पिन कोड नंबर डालने के बाद क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करोगे तो आपका सिटी, टाउन जो भी नाम है वो नीचे आ जाएगा इस तरीके से 14 स्टेप में, ठीक है। वो मैंने ब्लर कर रखा है, बिल्कुल अरेस्ट कर रखा है मैंने, ठीक है। तो इसके नीचे वो आपको आएगा, फिर यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका जो पिन कोड है वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे, जो एटोमी की वेबसाइट पे हम केवाईसी कर रहे हैं उस पे वो ले लेगा उसको ऑटोमेटिकली, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पिन कोड वेरीफाई करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें आपको ईमेल आईडी अपडेट करना है। नेक्स्ट पिन कोड के बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो भी आपकी एग्जिस्टिंग है वो रख सकते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ramshyam@ सेंटर में है वो नहीं लगाना आपको, राइट साइड में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे राइट साइड में सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सेलेक्ट के ऊपर जैसे करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा टू इनपुट, उसमें 4 से 5 आएंगे, जीमेल है, याहू है, रेडिट मेल है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं तो आपकी जो पहले ईमेल आईडी है वो एग्जिस्टिंग इसके अंदर रहेगी रिकॉर्ड के अंदर, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आएगा टू इनपुट, और लेफ्ट साइड में मेरा जीमेल है तो मैं जीमेल सेलेक्ट करूँगा, याहू है तो याहू करूँगा, रेडिफ है तो रेडिफ करूँगा, हॉटमेल है तो हॉटमेल। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है किस डोमेन में आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, ओके। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए, आप लेफ्ट साइड में नाम लिखिए, राइट साइड में जो भी ईमेल आईडी है हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू, जीमेल जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ताकि आपका यहाँ पे ईमेल आईडी सही तरीके से यूज़ हो, कौन से डोमेन का आपने ईमेल आईडी बना रखा है, ओके। तो ईमेल आईडी का सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा पैन वेरिफिकेशन का। तो जितने भी लीडर 14 नवंबर 2019 से पहले जिन्होंने पैन वेरीफाई नहीं किया था तो उनके लिए है कि आपको यहाँ पे पैन वेरीफाई भी करवाना है और आधार भी वेरीफाई करवाना है, दोनों वेरीफाई करवाना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपना ऑलरेडी पहले भी वेरीफाई किया था और अभी भी कंपनी मांग रही है तो हमने भी अपना अभी भी वेरीफाई करवा चुके हैं, तो वो सभी के लिए बराबर कंडीशन है, सेम कंडीशन है। और अभी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें देखिए आप, पैन वेरिफिकेशन के लिए हम क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे तो हमारा पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, जिस प्रकार से आप लोग करते हो। पैन नंबर आपको डालना है, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऊपर मैसेज आएगा यूअर पैन वेरिफिकेशन हैज बीन डन, तो आपका जो नाम है पैन में वो इसके जस्ट बॉक्स के नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है, आधार कार्ड पे आप जो बॉक्स है उस पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें अभी उनके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कनेक्ट है वो ही आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट के लिए कंपनी काम कर रही है, जल्दी ही आपको अपडेट दे दी जाएगी, ओके। तो आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आधार सेलेक्ट करना है, फिर आधार वेरिफिकेशन का आधार का नंबर डालना है आपको। जैसे नंबर डालोगे तो राइट साइड में ब्लैक बॉक्स आधार कार्ड वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी कोड आएगा 6 डिजिट का, तो उस ओटीपी कोड को यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आपका जो डाटा है आधार कार्ड का वो
एटॉमिक डायरेक्ट वेरीफाई करवा रही है गवर्नमेंट से, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के अंदर आएगा, फिर वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली विद इन सेकेंड, ओके। और जिन लोगों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं है तो कृपया करके अपने नियरेस्ट आधार कार्ड सेंटर में या बैंक में कहीं भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होता है तो वो अपडेट कीजिए, ताकि आपकी आईडी सेम डे पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका अपडेट हो सके, अगर आपकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले की रजिस्टर्ड है तो। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, ये जो चार बॉक्स देख रहे हैं राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है, एग्री करना है। उसके बाद स्पाउस डिटेल डालनी है, आप अपनी वाइफ की अपने हस्बैंड की डिटेल डालना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आप उनका नाम डालिए, फिर उनका पैन कार्ड नंबर भी कंपनी मांगती है और मोबाइल नंबर मांगती है, तीन डिटेल्स मांगती है यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को अपनी आईडी पे ऐड करना चाहते हैं एज ए कपल मेंबर, प्राइमरी अकाउंट सेकेंडरी अकाउंट अगर बाद में आप करना चाहते हैं या अभी से स्टार्टिंग में आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी वाइफ की या हस्बैंड की यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये डिटेल है, आपको वाइफ या हस्बैंड का नाम डालना है, उनका पैन कार्ड नंबर डालना है, वो पैन कार्ड वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कंपनी करवाएगी, डेफिनेटली 100% हो जाएगा तुरंत ही, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से स्पाउस की जो डिटेल्स है वो आपको डालनी है, ताकि आपका आगे के लिए यूज़फुल हो सके। हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर एक आईडी पे काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप दोनों की जो आईडी है वो एज ए कपल मेंबर मानी जाएगी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप अपने स्पाउस की डिटेल ऐड कर सकते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पैन कार्ड नंबर, ये तीन डिटेल यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसे आपने स्पाउस की डिटेल पे क्लिक किया तो इस प्रकार से आपको ऐड स्पाउस डिटेल करना है यहाँ पे, ओके। ऐड स्पाउस डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक मैसेज आएगा, उस पर आपको करना है ओके। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अपने स्पाउस की डिटेल डालनी है वहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया कंपनी के द्वारा। और नॉमिनी की डिटेल्स का अभी से इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो नॉमिनी की डिटेल्स के लिए आप सभी लोग वेट कीजिए, कंपनी आपको अपने ऑफिशियल चैनल से बताएगी कि वो होगा कि नहीं। फिलहाल कंपनी ने यहाँ पे आपको बोला है कि स्पाउस की डिटेल डालनी है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो मत डालो, ठीक है, ये आपका पार्ट है, कंपनी का काम है आपको बताना, आप ऐड भी कर सकते हैं नहीं भी, लेकिन हस्बैंड और वाइफ सिर्फ एक ही आईडी पे काम करेंगे, डबल डबल आईडी पे काम नहीं कर सकते, ये कि ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है, ये आपको समझना होगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ऐड स्पाउस नेम, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये तीन चीजें यहां पे ऐड करनी है आपको, ओके। जैसे तीनों चीजें आप यहां पे ऐड कर दोगे और नेक्स्ट स्टेप है कंफर्म, राइट साइड पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपके स्पाउस की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, ओके। ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं है इसमें, और नॉमिनी वगैरह का कोई ऑप्शन अभी है नहीं कंपनी के पास, और जो भी होगा कंपनी के हैंड से आपको बताया जाएगा कि कंपनी करेगी कि नहीं इस तरीके का, ठीक है, वो अभी कुछ नहीं होगा। तो अभी आप सब लोग फोकस कीजिए KYC के लिए, आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें KYC में अपडेट होती है, और बैंक डिटेल के बारे में कंपनी में अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके से आप स्पाउस को ऐड कर सकते हैं, राइट साइड में कंफर्म पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी आपके स्पाउस की, और वो कर सकते हैं। और जैसे आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट होगी तो यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी नंबर आपको अभी मिला है उसको बोलेंगे हम ADN नंबर, एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, इस प्रकार से। तो आप ऐड कीजिए यहाँ पे, और जो वेबसाइट है वो इंडिया की वेबसाइट पे ही KYC होगी। काफ़ी लोग क्या है कि दूसरी वेबसाइटों पर कर रहे हैं, कोई USA की वेबसाइट पे जा रहा है, कोई कोरिया की वेबसाइट पे जा रहा है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर ही क्लिक कीजिए, किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मत जाइए, आपकी KYC वहाँ पे नहीं होगी बिल्कुल भी, आप गलत वेबसाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एटोमी इंडिया की वेबसाइट आपको सेलेक्ट करनी है। अब सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्पाउस डिटेल्स, पिन वेरिफिकेशन, पिन कोड, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी चीज़ें आपने कंफर्म कर ली, वेरीफाई हो गई, तो लास्ट का जो स्टेप है, फाइनल स्टेप है, 26 नंबर स्टेप है, यहाँ पे आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, ओके। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी, और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे चेंज की है तो उसके बारे में एक पॉपअप आएगा, एटोमी आपसे पूछेगी कि आप चाहते हैं चेंज करना सारी डिटेल, तो वहाँ पे आपको यस करना है, ओके करना है, इस प्रकार से ये पॉपअप आएगा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो एक मैसेज और आएगा, थैंक यू वेरी मच, आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो गया है, और आपका जो एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है वो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैसेज आएंगे स्क्रीन के ऊपर, और ये जितने भी स्टेप हैं आपको करने हैं, और अभी एटोमी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर काफ़ी लोड है, तो एक वीक लगेगा अच्छे तरीके से स्मूथ वेबसाइट चलने में, तो आप सब वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए कोई भी, ठीक है। ये एक मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन KYC डन, ओके। इस तरीके से आप
नेक्स्ट अपनी आईडी में लॉगिन करके चेक कीजिए सारी इन्फॉर्मेशन सही हुई है कि नहीं। अगेन आपको लॉगिन करना है, चेक करना है यहाँ पे लॉग आउट करके। ओके, तो इस प्रकार से काफ़ी लोग हैं जो जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि एटोमे की जो वेबसाइट उसके ऊपर काफ़ी लोड है। ठीक है, 15-16 लाख लोग एक साथ जाएंगे तो काफ़ी लोड हो जाएगा। तो अगर आपकी KYC अभी नहीं हो रही है तो 2-3 दिन वेट कीजिए आप, फिर वेबसाइट जैसे ही स्मूथ फंक्शन हो तब आप स्टार्ट कीजिए KYC। जल्दबाजी मत कीजिए, काफ़ी टाइम है अपने पास। लेकिन जितने भी लीडर ज्वाइन हुए हैं आपकी टीम में, सब लोगों की KYC करवाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी KYC नहीं होगी तब तक आप सभी लोग एटोमी के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे आइटम बाई नहीं कर पाओगे। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग जब से एटोमी की वेबसाइट स्टार्ट होगी तब से आप ऑनलाइन परचेज तभी कर पाओगे, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट है वैसे, तब जब आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।